नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देश के कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड का आगाज हो चुका है। वहीं दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अब भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में अगले दो दिनों तक हल्की धुंध की संभावना जताई है। IMD के मुताबिक केरल में 23 और 24 अक्टूबर तो बारिश का अनुमान है, तो वहीं मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहने की संभावना है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे गिरेगा। वहीं शुक्रवार को दिल्ली NCR का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 16 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो शुक्रवार की सुबह AQI 260 दर्ज किया गया है। मालूम हो कि अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो इसका मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है। वहीं अगर 50 से 100 के बीच हो तो हम इसे संतोषजनक कह सकते हैं। इसके अलावा 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में आता है, तो 301 से 400 के बीच स्थिति खराब मानी जाती है।